हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर से हम लोग कैसे पावर का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक थर्मल पावर प्लांट लिया, उसके बाद न्यूक्लियर पावर। अब जैसे थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट भी वर्क करता है, बस उसमें दोनों में हीट का यूज किया जाता है। हमारा जो है जैसे यूरेनियम 235 है, वो क्या होता है जब एक्सप्लोड करता है उसमें जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, उस हीट का यूज करके हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। उसी तरह से इस जैसे थर्मल पावर प्लांट में होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोल को बर्न कर रहे हैं हम लोग। कोल को बर्न करने से इधर पंप के थ्रू जो वाटर गया इसको हीटअप करता है, और हीटअप करने के बाद ये जो है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वेपर जाके इस टर्बाइन को रोटेट कराता है। जैसे अगर किसी इस तरह के पाइप पर इधर से वाटर अगर हीट करता है तो उस रोटेट करेगा, वैसे ही ये वेपर जाके इसको हीट करेगा और ये रोटेट करता है। और इससे क्या होता है, एक जनरेटर कनेक्टेड है, यहाँ देख सकते हैं ये जनरेटर कनेक्टेड है। और जनरेटर को हम लोग क्या होता है, ये हमें शाफ्ट को रोटेट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोग गाँव में देखते हैं या हमारे सोसाइटी में जो होता है जनरेटर होता है, उसमें एक डीजल इंजन होता है, वो उसको घुमाने के लिए, इस शाफ्ट को घुमाने के लिए एक डीजल इंजन होता है। यहाँ पर ये हम लोग वाटर वेपर का यूज करके इसको रोटेट करा रहे हैं, और रोटेट जैसे भी हो रोटेट कराना है आपको इस शाफ्ट को। अब ये रोटेट करेगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। हम लोग 10th क्लास में इसके वर्किंग प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कैसे जनरेटर वर्क करता है। और फिर से क्या होता है, ये वेपर जो है इधर आके कंडेंस हो जाता है, इसको कूल किया जाता है। यहाँ कंडेंस कूलिंग टावर में इसको जो है इसको कूल किया जाता है, फिर से वाटर जो होता है एक कोल्ड वाटर ये फिर से इसको पंप कर सकता है, क्योंकि वेपर को पंप करना मुश्किल होता है, इसलिए वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और फिर से ये वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर में कन्वर्ट होने की जगह फिर से टर्बाइन होता है। ये प्रोसेस रिसाइकल होते रहता है और इधर एनर्जी का प्रोडक्शन होते रहता है। तो इसमें हम लोग को कोल जलाना पड़ता है, कोल का यूज करना पड़ता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे वर्क करता है, यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में आप लोग देखें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें जो है इस चैम्बर में आप देख सकते हैं कंक्रीट का बना होता है, इसके अंदर में हम लोग मॉडरेटर यूज करते हैं, ये वाटर हैवी वाटर बोलते हैं इसको। और इसमें जो है फ्यूल है यूरेनियम 235 है ना, और इससे क्या होता है हीट का प्रोडक्शन होता है। इधर से वाटर जो है इधर से जाता है और इसमें क्या होता है हीटअप होता है। ये हीट जो हीटअप होने के बाद इधर से वाटर आया, हीटअप हुआ, हीट जो है इधर से जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो इसको वाटर को हीटअप किया, हीटअप करने के बाद यहाँ से वेपर प्रोड्यूस होगा और वेपर जाके टरबाइन को हीट करेगा। इससे जनरेटर कनेक्टेड है और जनरेटर फिर ये जो है वाटर यहाँ कंडेंस होके फिर से ये वाटर फिर रिसाइकल होगा। जैसे हमने इस प्रोसेस में देखा था पंप का यूज किया जाता है, ये सिंपल डायग्राम बनाया गया है आपको पंप का यूज करके। जैसे अबव डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पंप का यूज करके उसको भेजते, तो यहाँ पर देखें इसमें जो है एक आपको दिख रहा होगा ये फ्यूल रॉड है, ये यूरेनियम 235 है, इसमें फ्यूल रॉड है, इसमें एक ये नहीं ये मॉडरेटर है आई थिंक, ये देखो ये फ्यूल रॉड है, ये फ्यूल रॉड है, ये जो है 1 सेंटीमीटर का लगभग डायमीटर होता है इसका, ये जो यूरेनियम 235 है। और इसमें जो है ये हैवी वाटर D2O का यूज किया जाता है, इसका यूज क्यों करते हैं मैं बताऊँगा। उसके बाद ये जो है इसे इस वाटर से जाएगा, इस वाटर को हीटअप करेगा, ये नॉर्मल वाटर रहता है, ये नॉर्मल वाटर है, इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें इसमें दिखाया गया है कि ये फ्यूल रॉड है, यहाँ पर फ्यूल रॉड है, और ये जो है इसमें D2O यूज किया गया है, इसको फ्यूल रॉड यूरेनियम 235 होगा। तो इसके अंदर जो यूरेनियम 235 होता है ये हैवी होता है, यूरेनियम 235 और 238 इस पर जैसे ही इसका रिएक्शन होता है, न्यूट्रॉन इस पर जैसे ही जो अटैक करता है तो इस पर क्या होता है ये ब्रेक होने लगता है, यूरेनियम 235 ब्रेक होने लगता है। जैसे एक यूरेनियम का एटम है तो उस पर ब्रेक करने से आपको जो है बेरियम और क्रिप्टन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यूरेनियम 235 है, अगर इस पर न्यूट्रॉन का अटैक हुआ एक है ना, एक न्यूट्रॉन का अटैक हुआ तो इस पर क्या होगा, ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टन। ऐसे पोलोनियम में भी कन्वर्ट होता है, बेरियम और क्रिप्टन भी होता है ना, पोलोनियम और मॉलिब्डेनम में कन्वर्ट होता है, प्लस 3 न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है, 3 न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है ना। तो ये क्या होता है, ये 3 न्यूट्रिनो फिर दूसरे जाके न्यूट्रॉन जो है ये जाके दूसरे एटम पर अटैक करेंगे यूरेनियम 235 के, और फिर से वो 3 यूरेनियम 235 को या 238 को फिजन रिएक्शन होगा, फिर से वो हीट प्रोड्यूस होगा। और हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें
तो जो यूरेनियम-235 है स्टूडेंट्स, इसका जो मास है, इसका मास जो है इधर लेफ्ट साइड में और इधर राइट साइड में, मास में डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं। ये वाला यूरेनियम-235 को अगर मैं मास ऑफ रिएक्टेंट बोलूँ इसको, तो इसका इधर का मास जो होगा और इधर का मास होगा डिफरेंस होगा, इसका मास कम होता है और इसका मास ज़्यादा होता है, इसका मास ज़्यादा होता है। तो ये मास जो डिफरेंस हुआ, वो मास गया कहाँ? वो मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन E=mc², वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू E mc² हेयर मास डिफेक्ट, हेयर m इज मास डिफेक्ट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट वी कैन से, है ना, ये इस इधर के मास और इधर के मास का जो डिफरेंस होगा वो मास इंटू C²। C जो होता है लाइट का स्पीड होता है, जो 3×10⁸ होता है। तो ये समझ सकते हैं कि कितना वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है चेंज इन मास। तो अगर मास डिफेक्ट 1 AMU होता है स्टूडेंट्स, 1 एटॉमिक मास अगर मास डिफेक्ट हो गया, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक यूरेनियम-235 जो है अगर ब्रेक होता है तो इससे लगभग एक यूरेनियम-235 ब्रेक होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस होता है ना। और 1 AMU का मास डिफेक्ट आ गया तो वो लगभग इतने का 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन, 1.6×10⁻¹⁹ वोल्ट, इतना ये एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ एनर्जी का यूनिट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मत सोचना कि ये वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर वोल्ट होता है जूल पर कूलम, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हो जाता है 1.6×10⁻¹⁹ -19 कूलम, तो कूलम कैंसिल हो गया, ये जूल बचा है स्टूडेंट्स। तो ये मत सोचना कि ये जो है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, यहाँ पर वो एनर्जी का यूनिट है। तो यहाँ पर यूरेनियम-235 इस तरह से फिजन होगा। अब ये क्या होता है, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये एक यूरेनियम-235 फिज हुआ या ब्रेक हुआ तो यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, और उससे क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन को जाके वो यूरेनियम के 3 मॉलिक्यूल्स को फ्यूज कर देंगे, वो ब्रेक कर देंगे, जिससे क्या होगा कि और 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, 9 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और 9 न्यूट्रॉन्स जाके 9 यूरेनियम-235 को अटैक करेंगे, जिससे क्या होगा कि 927 यूरेनियम-235 प्रोड्यूस। तो ये प्रोसेस चल रहा है और ये बहुत फास्ट होता है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये बहुत एक्सप्लोसिव हो जाता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सारे देशों में अभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत कम है सारे देशों में, है ना, इसका रीजन यही है। तो ये जो है फ्यूल एलिमेंट जो है यूरेनियम-235 या 238 यूज होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया, ये यूरेनियम जो न्यूट्रॉन है इस पर अटैक करेंगे, इससे जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा इसके बीच में। अब ये जो है इतना फास्ट प्रोसेस होता है, इतना एक्सप्लोसिव होता है स्टूडेंट्स, इतना एक्सप्लोसिव होता है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग इसमें एक तो कंट्रोल करने के लिए इसके स्पीड को कम कर दिया जाए, न्यूट्रिनो को स्पीड को कम करने के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं इसमें, इसको हम लोग D2O हेवी वाटर बोलते हैं, ड्यूटेरियम है यहाँ पर जो है ये हेवी वाटर का यूज करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से वाटर मॉलिक्यूल से जा के टकराएगा और उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक और इसका यूज किया जाता है, जैसे यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, न्यूट्रॉन जाके इसे D2O से टकराएगा और स्पीड कम हो जाएगा, तो एक से दूसरे फ्यूल में जाने यूरेनियम-235 के रॉड में जाने पर उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। और इसमें क्या किया जाता है, ऐसे इसमें मॉडरेटर भी लगाया जाता है, इसको जो है ब्रोन और कैडमियम का बना होता है, ये इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बार बार जैसे ही इसको इंसर्ट किया, सारे न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो कुछ बचे होंगे फिर से निकाल देंगे इसको बाहर निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ देर के बाद इंसर्ट कर देंगे, एक फ्रीक्वेंट वे में इसको हम लोग इससे बाहर निकालते रहेंगे, इंटर करते रहेंगे, तो रिएक्शन एक कंट्रोल वे में चलता रहेगा। और D2O का यूज करने से क्या होगा कि इसका स्पीड कम हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा एक कंट्रोल हो जाता है। अब इसमें जो है हमारा एक कंक्रीट वॉल बनाया जाता है, लगभग 10 मीटर थिक रहता है, ताकि इससे जो भी रेडिएशंस होते हैं, जब
वो क्या होता है, हार्मफुल होते हैं, उससे बचने के लिए ये कंक्रीट का वॉल बनाया जाता है ताकि हम रेडिएशन से बच सकें। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें जो है हीट प्रोड्यूस होता है। हमने बताया कि यूरेनियम 235 एक मल के उस ब्रेक होगा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी प्रोड्यूस होगा, है ना, 198 के आसपास समथिंग होता है, तो वो लगभग मान सकते हैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो एनर्जी क्या होगा, इस वाटर को ऑब्जर्व कर ले, ये वाटर ऑब्जर्व करेगा और इससे जाके इस वाटर जब हाई टेम्परेचर पर रहेगा तो इसको जाके हीट करेगा, इस वाटर को हीट करेगा तो इसमें वेपर प्रोड्यूस होंगे और ये वेपर जो है इस पाइप के थ्रू जाके टर्बाइन ब्लेड्स को हीट करेगा, है ना। ये जैसे ही टर्बाइन ब्लेड्स को हीट करेगा इससे टर्बाइन ब्लेड रोटेट करेगा और रोटेट करेगा तो इससे हमारा देख सकते हैं नेक्स्ट डायग्राम में जनरेटर कनेक्टेड है। यहाँ पर जो जनरेटर कनेक्टेड है ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो जैसे थर्मल पावर प्लांट और जितने भी पावर प्लांट है उसका मेन वर्क होता है कि किसी तरह से हमारा जो है टर्बाइन को रोटेट करे और जनरेटर को शाफ्ट को रोटेट करे। अगर जनरेटर शाफ्ट रोटेट करेगा तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से हाइड्रोलिक पावर प्लांट में भी ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है, डैम बना देते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, यहाँ पर एक डैम बना दिया, ऐसे डैम बना देते हैं, इसमें वाटर स्टोर हो जाता है, वाटर स्टोर हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जब हाई लेवल पर वाटर स्टोर हो गया तो इसमें एक पाइप होता है जिसको हम लोग पेनस्टॉक बोलते हैं, इसका एक नेम है पेनस्टॉक बोलते हैं। और ये जो वाटर जेट है इसमें इसका एक यूज करते हैं इसको स्पीड को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर एक टरबाइन में ब्लेड्स लगे होते हैं, ऐसे टरबाइन ब्लेड्स लगे, इसको नोजल बोलते हैं, इसको नोजल। अब ये जाके वाटर जो है इसको हीट करता है जिस, और इस जनरेटर से शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। और सब में जनरेटर कॉमन है, जनरेटर कॉमन है और इससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट कंट्रोल्ड वे में चलाया जाता है। आज की वीडियो